दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आए हैं माता जी के पास, जो मित्र मंडल बाबा पंडा से नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है नवरात्रि के मेले के दिन। और हम सभी मतलब मित्र मंडली कमेटी वालों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितना भीड़ लगता है, कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं हर साल की भांति इस साल भी, और इस साल और भी ज़्यादा भीड़ और काफ़ी बढ़िया सा डेकोरेशन जो बीके फ्लावर डेकोरेशन मत्स्यगामा के द्वारा किया जाता है हर साल। और ये कुंदन भाई हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लाइन में हैं, कतार में हैं, उसको प्रसाद लेकर ही जाएं। और काफ़ी अच्छा टीम वर्क किया गया है, मनु भैया हैं। और वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं कौन कौन है और क्या क्या है। ये हमारे सारे दोस्त हैं, जन्मदिन भाई, प्रिंस भाई, विकास भाई और ये भैया जी जिनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया से किया गया है, प्रसाद का वितरण, कपूर अगरबत्ती भी जलाया जा रहा है, कमेटी सभी मेंबर एक्टिवेट हैं और पूजा पाठ में सबका मगन है, भैया जी को भी पढ़ना। और ब्लॉगिंग में आपको ये दिखाएंगे कि नवरात्रि में हमारे भैसे इन क्या क्या होंगे। सत्यम भाई हैं टीम के और भी मेंबर हैं जो सभी एक्टिवेट हैं अपने काम करने में। सामने से माता जी का मूर्ति है, ये हमारे ग्राम का भैसे ही का सबसे बड़ा मूर्ति है जो प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने रखा जाता है, दुर्गा पूजा समिति के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे नागेश्वर भैया जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं और सभी लोग अंदर जाके फोटो क्लिक कर रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पे प्रसाद वितरण अन्नू भाई और नागेश्वर भैया के साथ। और ये हैं हमारे प्रेम मरेसिया जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि प्रसाद लेके जाएं, खोइचा भर लें और बिना प्रसाद लिए ना जाएं, कतार में जाएं, चप्पल तबान की। अभी हम आ चुके हैं मेले में, मेले का भी आपको सीन दिखाते हैं। ये है खुट्ठा का पंडाल जो कि सबसे बड़ा पंडाल है और बाजार में लगा है। ये गेट है, ये भीड़ है, भीड़ को आप देख सकते हैं। और ये सबसे सुंदर पंडाल जो है खुट्ठा बाजार का है, भीड़ कहा हजारों के मतलब हजारों की संख्या में भीड़ है यहाँ पे। और चलिए यहाँ का भी आपको बढ़िया से दिखाते हैं मेले में, खुट्ठा मेले में जो जो आए हैं, जो ना आए हैं वो भी कमेंट करें और वीडियो को भाई एक बार शेयर जरूर करें ताकि आपका ये भाई। गले में थोड़ी खराबी होने की वजह से मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। पीछे वाले वीडियो में मेरे पूरा खुट्ठा का डाला गया है, भैंसे का भी, परिचय का, हर गांव का। तो ब्लॉग में सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें लगातार, कैसा लग रहा है कैसा नहीं, इससे मुझे ये लगेगा कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम खुट्ठा मेले में आ चुके हैं और ये पंडाल जो है सबसे सुंदर पंडाल है, देख सकते हैं आप मेले में कितना भीड़ है। आजू बाजू आइसक्रीम की दुकान है, बलून लेके कोई खड़ा है, कोई सेल्फी ले रहा है। यहाँ पे एक सेल्फी स्टैंड भी बनाया गया है और यहाँ के पंडाल पे मेरे चैनल का नाम भी लगा है। ये आप देख सकते हैं माता जी का पंडाल कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे चैनल का नाम है जो सामने आपको दिख रहा है छोटा सा, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल वैसे ही जरूर सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हैं कर देंगे। बाकी माता जी के पंडाल में हम लोग आते हैं इकट्ठे हो जा के, पंडाल आप लोग देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब सुंदर डेकोरेशन हुआ है। पुरुष का अलग से जाने का, महिला का अलग से जाने का है। और अभी आप देख सकते हैं मंदिर, माता जी कितनी अच्छी लग रही है। माता जी का बहुत ही अच्छा मूर्ति लाया गया था इकट्ठा बाजार में। अरे हमारा अनिल भाई है छोटा भाई, ये भी आया था दर्शन करने मेले में, हमारे साथ सुनील भैया गए थे। और ये मैं हूँ जो आशीर्वाद ले रहा हूँ कि हे भगवान मेरे चैनल को मोनेटाइज कराइए, लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचाइए। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा कोई भी चीज़ आगे नहीं होगा, आपके सपोर्ट से, आपके आशीर्वाद से ही जो पाना है मुझे पाऊँगा। आप लोग मुझे लगातार सपोर्ट करते रहें और ये मेले में हम कैमरे के साथ मतलब अपना वीडियो दिखा रहे हैं ताकि आप लोग सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। अभी हम खुट्ठा में मेला में हैं और मेला में घूम रहे हैं, हम तीन लोग आए थे, बाकी दो लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ, इधर उधर सब खो गए हैं। कोई बात नहीं, कहीं ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, पंडाल देख के मन बढ़िया था। और तो खुट्ठा ब्लॉग वाले, खुट्ठा ग्राम सभा वाले, चाहे जो भी हो आसपास के लोग, जितनी भाई और बहनें हैं, वीडियो को दबा के शेयर करें, आपका एक शेयर मेरे लिए फायदा करेगा, मेरे मेहनत का फल मिलेगा, माता जी का दर्शन करें। अभी हम खुट्ठा पगली चौराहे के ठीक बगल में कॉम्प्लेक्स के पंडाल में जा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया सजावट यहाँ का भी है और यहाँ का कुछ यूनिक है,
और चलिए आपको दिखाते हैं, ब्लॉग में बज रही है, सजावट बढ़िया है, भीड़ भी बढ़िया है, मेला इस साल बढ़िया लगाया क्योंकि इस साल बरसात बिल्कुल नहीं था, मौसम बना था बादल का लेकिन बरसात नहीं हुआ, यहाँ पे भी काफ़ी लोग आए थे और यहाँ पे भी पूजा पाठ बढ़िया हो रहा है क्योंकि रोड पे ये भी एक उठा कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और जो हमारे भाई लोग हैं और ये सब प्रसाद उपयोग कर रहे हैं। यहाँ का मूर्ति का खासियत है, मूर्ति का जो मुकुट है और जो सजावट है हरे कलर का है और यहाँ माता रानी के उंगली में जो लगा है वो चक्र घूम रहा है, बढ़िया तरीके से सेट किया गया है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया मूर्ति है, बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया गया है और बढ़िया तरीके से मेला भी हम अपने गाँव में पुनः आ चुके हैं भैंसी बाजार में और हमारे पुलिसकर्मी जो है रवि थाना की उन्होंने काफ़ी सारे तो हमारे भैंसे में भी काफ़ी भीड़ लगा था मेले में और बहुत दूर दूर से लोग मेला करने आए थे, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ था और ये मेरे चैनल का लोगो है और देख सकते हैं आप लोग चौराहे पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लोग आ रहे थे जा रहे थे मतलब। और भाई हमारे सभी ग्राम सभा कमेटी का बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है, अगर कमेटी ना सही हो तो मेला ना लगता है, कमेटी का सही रहने से ही हमारे गाँव में मेला लगता है और डेकोरेशन के मामले में भी हमारा गांव बहुत बढ़िया है। अभी हम चल रहे हैं मित्र मंडली भगवा पंडाल में जो कि पोखरे पर रखा जाता है शिव मंदिर के बगल में, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, इस गली में जाने का मतलब है कि जाम में फंस जाना, इसी में धीरे धीरे आपको ब्लॉगिंग दिखाने के लिए हम भीड़ में ज़बरदस्ती घुस के जाते हैं ताकि वीडियो आप तक मेरा पहुँचता रहे और आप लोग कहीं भी हों देश विदेश घर कहीं भी बैठ के देख सकते हैं मेरा वीडियो, कमेंट कर सकते हैं आप कहाँ कहाँ का वीडियो ऐड करना है, मैं वहाँ का वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ। सत्यम भाई प्रिंस भाई जा रहे हैं और ये भाई लोग जा रहे हैं सभी, बहुत ही बड़ा सहयोग है मेरे गांव का क्योंकि मेरे गांव वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं ब्लॉगिंग में इसीलिए मैं कहीं भी जाके ब्लॉगिंग कर सकता हूँ अपने गाँव में। ये छोटी छोटी बहनें हैं हाय बोल रही हैं, सब मेले में घूम रहे हैं, सब भैया को भी हाय सबको। सबसे बड़ा महत्व था कि आपके गांव के लोग कितना सपोर्ट करते हैं और मेरे गांव के सभी लोग सपोर्ट करते हैं और ये मोनू भैया का दुकान जो खिलौना का लगाए थे बिहार बोल रहे हैं, इनका भी दुकान बढ़िया लगा था। चलिए आपको धीरे धीरे मंदिर की तरफ, संदीप भैया आए सभी को नमस्ते, चलते 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 हम लोग भीड़ में हैं इसीलिए जल्दी जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि सामने से कितना भीड़ है, माधुरी देवी को भी आए और भीड़ में सभी लोग मिल रहे हैं, जो मिल रहा है जान पहचान का है हाय बोल रहा है, बाकी जो नहीं पहचानता कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग में बने रहें देखें ऐसे ही कर मेला। इसी के साथ आपको बता दें कि ये मेला हर साल लगता है और हर साल की भांति इस साल भी बढ़िया भीड़ थी क्योंकि इस बार बरसात नहीं हुई थी, दुकानें सभी लगी हुई थी और सभी टीम के मेंबर एक्टिवेट हैं, सभी लोग हाय बोलते बोलते जा रहे हैं, जितने भी मेंबर और ये हमारे इंस्टाग्राम के किंग भैया भी हमको सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, धन्यवाद भैया आपको भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कोई ना कोई अपना मिलता ही रह रहा है और जो भी मिलेगा वो हाय बोलेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि सबको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ये मेरे चाचा जी हैं, अनुराग भाई है जा रहा है मेले में हाय ये भी बोल रहे हैं, तो भाई ये नहीं है कोई जानता नहीं जानता तो सभी है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सबको एक शेयर, भैया जी को भी नमस्कार, ये प्रेम मदेसिया और राजन जायसवाल भैया हैं और मेले में दुकान लगी हुई हैं और मेले के मेंबर गौतम बाबू और छोटे छोटे भाई हो जितने लोग आएंगे सबको आपको दिखाएंगे क्योंकि ये मेरा ब्लॉगिंग है और ये वॉइस का ब्लॉगिंग है मेले वाला, इसमें वॉइस डबिंग किया जाता है क्योंकि मेले का जो आवाज़ होता है उस पर कॉपीराइट मार देता है गाना आता है, ये कमेटी के सभी मेंबर जो मेले में देख रेख कर रहे हैं जैनुद्दीन भाई विकास भाई और ये भैया सब मीटिंग करते हुए मेले में निरीक्षण करते हैं और मेले में कोई घटना ना घटे, ये मित्र मंडली के सभी मेंबर हैं ये सब एक्टिवेट है मेले में, एक्टिवेट रहते हैं एक साथ रहते हैं और सब रहते हैं, अभी ये लाइव चलता है लाइव टेलीकास्ट होता है और ये वीके फ्लावर डेकोरेशन मचरगावा के विनय भैया जी के द्वारा हर साल किया जाता है और हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही लाजवाब डेकोरेशन विनय भैया ने किया है। अभी अंदर चलते हैं पंडाल में और माँ दुर्गा का दर्शन कराते हैं जो हमारे ग्राम सभा में 365 दिन में 9 दिन के लिए आती है, 9 दिन कब भी देता पता नहीं चलता, ये टीम के मेंबर हैं, अंदर भी एक्टिवेट हैं बाहर भी एक्टिवेट हैं, दुर्गेश भैया अंशुमान जी और टीम के मेंबर ये कुंदन भैया भी एक्टिवेट हैं सभी अपना अपना काम कर रहे हैं लगे हुए हैं पंडाल में और भीड़ भी है बहुत ज़्यादा,
ये हमारी छोटी सी बिटिया हाय बोल रही है, ये ध्रुव भैया, ध्रुव जायसवाल जी, सभी लोग चाचा जी हमारे साथ थे, और ये भैया, और अब मेरा चेहरा आ गया, यानी कि मैं ब्लॉगिंग करना चालू करूँगा जिसमें वॉइस नहीं है, क्योंकि वॉइस का मतलब है कॉपीराइट आ जाएगा, बैकग्राउंड में कॉपीराइट। वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वीडियो की स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और इसमें जितना मेहनत लगेगा उतना अच्छा वीडियो बनेगा। और आप लोग देखेंगे मेरे चैनल का बैनर चौराहे पर लगा था दशहरे में, अब हटा दिया गया है। चौराहे पर पुलिसकर्मी जो है रवि थाना के, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया ताकि झगड़ा वगैरह ना हो पाए और बढ़िया से मेल हो जाए। मेला भी काफ़ी अच्छे तरीके से बीत गया, कोई लफड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आराम से सभी लोग आए मेला किए और बढ़िया से दुकानें सबका चला, बरसात ना हुआ, मौसम साफ था। ये भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, छोटे छोटे बालक, ये सोनू भैया हैं, ये टाइगर रोहित जायसवाल छोटू भाई, सोनू जायसवाल जी, सोनू भैया मछलीगांव, सभी लोग यहाँ पे हैं मेले में, सभी एक्टिवेट हैं, सभी लोग माता जी के दर्शन के लिए और मेला करने के लिए साफ रहे हैं कि मौका मिलता है वैसे ही मेले का उसमें इंजॉय करते हैं। हाय भैया, सभी लोग का सहयोग रहता है हमारे, दीनदयाल चले जा रहे हैं और अभी हम पहुँच रहे हैं प्राथमिक विद्यालय समृद्धि चार्ट के अंदर, यानी कि संदीप भैया का चार्ट, हैप्पी जायसवाल जी का पकौड़ी अंकित भैया के साथ, हैप्पी जायसवाल का प्रसिद्ध पकौड़ा और संदीप भैया का चार्ट, हैप्पी जायसवाल जी का पकौड़ा लिया जा रहा है। अभी ये चौराहा है, मोनू भैया आप गेट के अंदर लेके चलेंगे, अब यहाँ से जो भी गाइड है मोनू भैया हमको करते हैं कि कैसे जाना है और कहाँ से वीडियो बनाना है। तो दुर्गा पूजा समिति पर हम लोग पहुँच चुके हैं, मोनू भैया हमको गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ का वीडियो बनाना है। पहुँच चुके मोनू भैया बता रहे हैं कि माता जी का यहाँ से वीडियो बनाइए, और ये हमारी माता जी और कमेटी के मेंबर, फिर से एक बार और कमेटी के मेंबर से हम लोग मिल चुके हैं। सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन स्वागत करता है और करता रहेगा मनीष मध्यसिया जी, जो हमारे यूट्यूब चैनल के भैंसी बाजार के सहकारी कार्यकर्ता है और भैंसी बाजार यूट्यूब चैनल का एक नंबर, सबको मन भाते हुए वीडियो बनाते हैं, उनको सब्सक्राइब लाइक और करें और उनकी वीडियो देखें। बड़े भैया मनीष मध्यसिया जी का यूट्यूब चैनल का नाम है वैसे ही बाजार ब्लॉग, जो अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करते हैं। और ये मेले का लास्ट सीन है जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं छत पे से, क्योंकि अब मेला का समापन हो रहा था, टाइम ज़्यादा हो गया था, सभी लोग मेला करके घर जा चुके थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अभी हम चलते हैं एडिटिंग करने, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो में बने रहें, एक शेयर जरूर करें, ताकि आपका एक शेयर हमको मजबूत बनाता है और वीडियो पोस्ट करने के लिए फिर मजबूत करता है। और ये भाई लोग हैक कर रहे हैं, सबका साथ है, क्योंकि मेरा चैनल मेरे ग्राम सभा भैसेम बाजार ब्लॉग के नाम से प्रसिद्ध है, ये मेरा चैनल हर जगह बैनर लगा हुआ है। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, और एक दो शेयर जरूर करने हैं।